नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति श्रीवास्तव। अक्सर देखा जाता है कि अपनी जिंदगी में सभी चीजें जरूरी होती हैं और सभी चीजें जरूरी होने के साथ साथ खुशियां उसमें सबसे पहले ऊपर आती हैं। अक्सर देखा जाता है कि घर में शादी हो जाती है, शादी हो जाने के बाद संतान का सुख नहीं मिल पाता। यदि आपके जीवन में भी इसी की कोई कमी है तो आप मेरी इस वीडियो के दौरान जानिए कि आप ऐसा कौन से कार्य नहीं करने चाहिए जिससे कि आपके जीवन में इन चीजों को पाना आपके लिए संभव न हो सके। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो आपको नहीं करने चाहिए और कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जो आपके करने से इसका सुख जल्दी ही मिल जाएगा। जानिए इस वीडियो के दौरान। अक्सर देखा जाता है कि स्त्रियां हो या फिर पुरुष, अगर वह वर्किंग है और वर्किंग होने के साथ साथ वह रात को लेट आते हैं और वर्किंग होने के बाद वह घर पर लेट आने की वजह से रात को खाना खाकर थकान की वजह से वह बर्तन छोटे ऐसे ही छोड़ देते हैं। अक्सर देखा जाता है कि जहाँ भी चीजें रखी जाती हैं खाने पीने के बाद उन्हें वहीं छोड़ दिया जाता है। यदि आप ऐसी ही आदतें डालते हैं तो आपको जरूर इसी वजह से संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है। यदि आप इन आदतों को छोड़ देते हैं, आप जब भी खाना खाएं अगर मांस नहीं सकते हैं तो उसे पानी से धोकर ही रख सकते हैं। ऐसा करने से वह छूटे नहीं रह जाते। अक्सर देखा जाता है कि घर में चीजों को सही से व्यवस्थित करना सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है, तो आप इस बात का खास ख्याल रखें। नंबर दो, यदि आप तपी हैं यानी कि बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद भी आपको कोई भी नजरिया नजर नहीं आ रहा है किसी भी खुशहाली का, तो उसके लिए जरूरी है कि आप धर्म के जितने भी ग्रंथ होते हैं उन्हें पढ़ना स्टार्ट करिए, उनसे विद्या लीजिए और अपने ज्ञान सागर को बढ़ाइए, जिससे कि आपके जीवन में वह जीवन की खुशियां आपको जल्दी ही मिल जाए जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं। अपने पति के साथ या फिर अपनी पत्नी के साथ सामंजस्य बनाइए, उनसे प्रेम पूर्वक बातें करें, समय बिताएं और उनकी बातों को समझें ताकि एक दूसरे के साथ समय बिताए गए पल को और भी ज्यादा खास बनाया जा सके। यदि आप एक दूसरे के साथ सही से पल बिताएंगे और अपने एक दूसरे के सभी दुख सुख बांटते हैं तो वह भी आपके संतान के सुख के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। अब यदि आप अपने घर की साफ सफाई नहीं कर पाते हैं तो थोड़ी बहुत साफ सफाई करना भी जरूरी है। रोज आपको अपने घर की और अपने कमरे की साफ सफाई करना जरूरी है, तो उसके लिए भी जरूरी है कि आप अपने जीवन में सभी चीजों को इम्पोर्टेंट दें। सुबह उठने के बाद अक्सर बिस्तर से उठकर आप वर्किंग करने के लिए चले जाते हैं या फिर खाना वाना बनाकर आप निकल जाते हैं, और यदि आपने नौकरानी रख रखी है या फिर कोई सेवक रख रखा है जिसकी वजह से आपको काम नहीं करना पड़ता है, उसके ऊपर ही डिपेंड है, तो ये भी आपकी गंदी आदत है, तो आप इस आदत को जल्दी ही बदल लीजिए। सोने के बाद अपने बिस्तर को पहले ठीक कीजिए और अपने कपड़ों को सही से फोल्ड करके रख दीजिए। उसके बाद नहा धोकर किचन में एंट्री कीजिए। ऐसा करने से ही आपके सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे। खाना बनाते समय भी ध्यान रखिए कि आपको रोटियां अलग अलग जानवरों के लिए भी रखनी है, मछली हो, कुत्ता हो या फिर गाय हो, इन सभी के लिए आपको रोटी जरूर निकालनी है अपने खाना बनाने से पूर्व। ये काम अगर आप करते हैं तो आपको जल्दी ही संतान का सुख मिल जाएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए मैं प्रीति श्रीवास्तव आपसे इजाजत लेती हूँ।